स्वागत है आपका फिर से एक बार नॉलेज के इस सफ़र में। इस वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे कि एलईडी बल्ब की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, यानी कि एलईडी बल्ब को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले इस मशीन में एलईडी का सर्किट बोर्ड तैयार किया जाता है। जिस पर छोटी छोटी एलईडी एसएमटी यानी सरफेस माउंटिंग टेक्नोलॉजी द्वारा जोड़ी जाती है। ऐसे ही हर एक माउंटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से 15 वाट के 35 एलईडी बल्ब निकलते हैं। इसके बाद एलईडी को पावर देने के लिए तैयार किया जाता है पीसीबी ड्राइवर, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ड्राइवर। इसका काम है एसी यानी कि अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में यानी डीसी में कन्वर्ट करना। सभी इंडिविजुअल ड्राइवर्स को मेन बोर्ड से अलग करके अब इन पीसीबी ड्राइवर्स को बल्ब के बॉटम हाउसिंग से जोड़ा जाएगा। ये काम मैन्युअली होता है। बैक पैनल उठाकर पीसीबी ड्राइवर फिक्स किए जाते हैं। इन बैक पैनल्स को बल्ब की हाउसिंग भी कहते हैं। फिर पीसीबी ड्राइवर को एल्युमिनियम की हीट सिंक से कवर किया जाता है। इसके बाद मशीन एलईडी माउंटेड प्रिंटर सर्किट बोर्ड को उठाकर हीट सिंक पर फिक्स कर देती है। फिर एक रोबोटिक आर्म इस बल्ब में लगी हाउसिंग को उठाती है और उल्टा करके रखती है। यहां बल्ब का लैंप होल्डर फिक्स किया जाएगा। वर्कर हाथों से बल्ब की वायर को सीधा करते हैं। और फिर ऑटोमेटिकली मशीन बल्ब पर होल्डर प्लेस कर देती है। एक रोबोटिक आर्म एक्स्ट्रा वायर काट देती है और एक दूसरी रोबोटिक आर्म वायर को होल्डर के पॉइंट्स के साथ सोल्डर करके ज्वाइंट पक्का कर देती है। बल्ब अब आगे बढ़ता है। यहां उस पर डिफ्यूजर लगाया जाता है जिससे बल्ब को उसकी शेप मिलेगी। रोबोटिक आर्म एक एक करके डिफ्यूजर को उठाती है और बल्ब पर फिक्स कर देती है। अब तैयार बल्ब की सेना चल पड़ी है टेस्टिंग के लिए। बल्ब में करंट पास करके अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि बल्ब की ड्यूरेबिलिटी, उसका टेम्परेचर और लाइट की क्वालिटी। इस प्रोसेस को ईजिंग कहते हैं और इससे एलईडी पीसीबी ड्राइवर को स्टेबलाइज किया जाता है। टेस्टिंग के बाद मशीन बल्ब को लेबलिंग मशीन में रखती है। लेबलिंग के बाद हर एक बल्ब की मैन्युअली ग्लो टेस्टिंग की जाती है। इसके बाद सभी बल्ब डब्बों में पैक कर दिए जाते हैं। ये बल्ब्स बहुत ही कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हमारी जेब से पैसे तो बचाते ही हैं, साथ ही साथ काफ़ी इको फ्रेंडली भी है और आपके घर को रोशनी से जगमग कर देती है।